चले रुक करते हैं जयपुर में। प्री मानसून की बारिश ने पूरे ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। शहर में जगह जगह पर भरा हुआ है बारिश का पानी और सांगानेर के बाजार जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से जलमग्न नजर आ रहे हैं। घुटने घुटने तक बाजारों में पानी भरा हुआ है और मेन बाजार की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मालपुरा गेट पर भी पानी पूरी तरीके से जलमग्न है, जो सड़कें नजर आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सांगानेर के ये बाजारों की तस्वीर है, किस तरीके से पानी से पूरी तरीके से ये सड़कें जलमग्न है। और अब ऐसे में वाहन चालकों को, यात्रियों को यहाँ से भारी परेशानी का सामना करके गुजरना पड़ रहा है। और जबकि ये प्री मानसून की तस्वीरें हैं, अब तक मानसून नहीं आया है और हल्की बारिश के बीच सड़कों पर इस तरीके से पानी भराना, जल भराव होना लोगों के लिए ये इशारा करता है, ये संकेत आगे से देता है कि अब जब मानसून आएगा, जब तेज बारिश का दौर लगातार जारी रहेगा, तो उस वक्त कैसे हालात होंगे। अब ऐसे में नगर निगमों के जो पोल, जो दावे थे, उनके भी पोल साफ तौर पर खुलते नजर आ रहे हैं। राजधानी जयपुर में कोई पहली बारिश ने जहां पर किसानों के चेहरे खुशी से यहां पर खिल उठे हैं, तो वहीं जयपुर शहर वासियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें भी दिखने को मिल रही हैं। आपको बता दूं कि गुर्जर की थड़ी स्थित कच्चे नाले के पुलिया पर पानी भर जाने की वजह से लंबा जाम देखने को मिला है। इसका सबसे बड़ा कारण पुलिया पर बने चैम्बर की सफाई नहीं होना सामने आया है। अगर चैम्बर की सफाई हो जाती तो पुलिया जो है वो पानी से नहीं भर जाता। और ऐसे ही नज़ारे जयपुर शहर के अनेक इलाकों में देखने को मिल रहे हैं। तो जयपुर में बारिश का दौर लगातार जारी है और नालों की सफाई नहीं होने से जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। तो वहीं जहां पर नालों की सफाई हो चुकी है, उसका मलबा भी बाहर ही छोड़ दिया गया है, जिससे बारिश के बाद जो पानी है वो वापस बहकर मलबा जो है वो नालों में ही जाएगा। और ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर मालवीय नगर पहुंची है, जहां पर उन्होंने जलभराव की समस्या को देखा। इसके साथ ही उपायुक्त मालवीय नगर जोन के निरीक्षण भी यहां पर किए हैं और इसके साथ ही मेयर ने नालों की सफाई के दौरान निकले मलबे को उठाने के निर्देश दिए हैं।